वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू माहौल है, पूरा दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। 3 साल से दिल्ली और आसपास के राज्यों ने प्रदूषण से लड़ने की तमाम कस्में खाई हैं। केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकारें, सबने ऐसा दिखाया है जैसे प्रदूषण से लड़ना उनकी प्राथमिकता में शामिल है, मगर हालात सामने आए तो दावे धुआं बनकर सांस के लिए संकट बन गए। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, आंखों में काफी जलन हो रही है और आदमी बिना मास्क के बाहर निकल नहीं सकता है। गले में खराश हमेशा ऐसा फील हो रहा है। पर्यावरण को बचाने के सलीके को सलीब पर टांग देने वाले शहर में सांस लेना मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि बाहर निकलिए तो आंख जलती है, फेफड़े इनकार कर देते हैं जहरीली हवाएं सोखने से, आंखों के रास्ते प्रदूषण बह चलता है। चमड़ी पर चकत्ते आ जाएं तो हैरानी ना हो, जहरीली हवा, दूषित पानी, ये कैसी हो गई राजधानी। तो किस किस को दोष दें, किस किस पर रोष प्रकट करें, किसे बताएं कि दिल्ली के आसमान पर छाया जहर कहर बनकर टूट पड़ा है, किसे बताएं तड़प, किससे कहें कि किश्तों में मारने लगी है जहरीली हवाएं, बढ़ने लगे हैं अस्पतालों में मरीज, दिल्ली हैरान परेशान और दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है निदान। आप ये तस्वीर देख रहे हैं मौसम विभाग के ठीक सामने, जो हमें बता रही है कि पीएम 2.5 का जो स्तर है वो है 500 और पीएम 10 भी अभी 500 के स्तर के नजदीक पहुंच चुका है, यानी कि ये बेहद ही हानिकारक स्थिति पे है। और ये ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों को अब घर से बाहर निकलने के लिए भी मना कर दिया गया है। आदमी को एक सभ्य शहर में कम से कम क्या चाहिए, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी, लेकिन हाय रे राजधानी, सिर्फ बीमारी, सिर्फ परेशानी। दिल्ली वाले तो तरस गए हैं अपने सर पर नीला आसमान देखने के लिए, तरस गए हैं शुद्ध हवा में सांस लेने के लिए। आंख उठाते ही गहरी धुंध की परत दिखती है और इतना ताप अब बचा नहीं कि इस धुंध पर नजर जमी रह जाए। सांस लेने के साथ थोड़ा सा आदमी के ऊपर एक साइकोलॉजिकली भी प्रेशर आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है इस मौसम में। ये बहुत एविडेंटली महसूस हो रहा है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुई है। एंड यू कैन सी कि मतलब आसमान भी इतना साफ नहीं दिख रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही है हमें। विज्ञान की भाषा कहती है कि शहर के शुद्ध हवा में प्रदूषण का स्तर 20 गुना से ज्यादा हो गया है। इस 20 गुना ज्यादा हो जाने का अर्थ ये है कि हवा को अब तक जो आप खराब, बहुत खराब और भयानक कहते आ रहे थे, उसे अब कहिए जानलेवा। कोई 24 घंटे 500 पीएम 2.5 में रहे तो 22 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान होगा। पीएम 2.5 का स्तर 1000 जाने पर ये 45 सिगरेट के बराबर नुकसान करेगी। और दिल्ली में तो कहीं कहीं पीएम 2.5 1000 को पार कर गया है। अब अंदाजा लगाइए कि गैस चैम्बर बन गई राजधानी में जीना कितना मुश्किल है, कितना दुश्वार है यहाँ खुद को संभाले रखना, अपना स्वास्थ्य बचाए रखना। आठों पहर दिल्ली में धुंध का पहरा है, जहरीली धुंध, जानलेवा धुंध। बारिश जो हुई ना, ये बारिश नहीं कहते इसको, हम ड्रिजल कहते हैं। तो जो ड्रिजल से क्या हुआ कि जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स थे उनमें मॉइस्चर लेवल बढ़ गया, जैसे ही उनमें मॉइस्चर लेवल बढ़ा वो ऊपर से और नीचे आ गए। तो उससे जितनी कल ड्रिजल हुई है उससे पोल्यूशन बढ़ना नहीं था, कम नहीं होना था, ज़्यादा ही होना था, और वो आज ग्राउंड पे सामने नज़र आ गया है। घर से बाहर जब निकल रहे हैं तो पहन कर ज़रूर निकलें, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सफ़ेद धुएं की एक चादर चारों तरफ नज़र आ रही है, और ये वो सफ़ेद धुआं है जो दिल्ली वालों की सेहत को इस वक्त ख़राब कर रहा है। तो जब सांस लेना मुश्किल हो गया तब शुरू हुई इस जहर से बचने की कवायद। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में 5 नवंबर तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। आप इसके कुप्रभाव से किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को नहीं बचा सकते, यह
हमारे राष्ट्रपति से लेकर के और सड़क पे रेडी लगा के बैठने वाले हर व्यक्ति को जो सांस ले रहा है उसको इफेक्ट करेगा और इसका कुप्रभाव होगा। स्वास्थ्य विभाग और टेरी ने एडवाइजरी जारी की है कि घर से ही काम करें, घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें, बीमार लोग घर से बाहर न निकलें, स्वस्थ लोगों को भी हो सकती है दिक्कत, सांस लेने में परेशानी, छाती में दर्द, आंखों में जलन होने पर डॉक्टर के पास जाएं, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग तो घर से बाहर ही न निकलें। हालात ऐसे हैं कि दम घुट रहा है और ऑनलाइन हुआ एक ताजा सर्वे कहता है कि सिर्फ प्रदूषण के चलते 40% लोग दिल्ली छोड़ देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बीमार होकर जिंदगी छोड़ने से बेहतर है कि शहर ही छोड़ दें। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में कॉस्मेटिक सामान बनाने वाली एक 4 मंजिला फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बाद आपको बता दें कि 23 फायर टेंडर गाड़ी पहुंची हैं आग बुझाने के लिए। आग को बुझाते बुझाते वक्त जानकारी ये मिली है कि 3 दमकल कर्मी घायल हो गए हैं। बीती रात 12 बजे की ये घटना है जब फैक्ट्री में आग लगी थी। आग की वजह से बिल्डिंग का जो पीछे वाला हिस्सा है वो गिर पड़ा। जानकारी ये है कि आग में करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन 3 फायर कर्मी इस आग को बुझाते हुए घायल हुए हैं। तस्वीर हम देख रहे हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस धुएं के गुबार का। और आपको ये भी बता दें कि रात को 12 बजे के करीब ही आग लगी, इस बिल्डिंग का पीछे वाला हिस्सा गिर पड़ा। दिल्ली में प्रदूषण की मार पड़ रही है, लेकिन दिल्ली सरकार आज से ऑडिवन फॉर्मूले से इसे हराने की कोशिश में है। 4 नवंबर से 15 नवंबर तक अलग अलग दिन और इवन नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर चल पाएंगी। उम्मीद ये है कि इस फॉर्मूले से लागू होने के बाद प्रदूषण में कुछ कमी देखने को मिलेगी। वो दिल्ली जिसकी हवाएं फेफड़ों में जहर भर रही हैं, जिन हवाओं के बीच दिल्ली में रहने वाले बाशिंदों का दम घुट रहा है, उस घुटन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से ऑड इवन फॉर्मूला लागू कर दिया है। ऑड इवन शुरू हो रहा है। मेरी आप लोगों से सबसे विनती है, अपने दिल्ली परिवार की खातिर, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की खातिर, आइए इसको पालन करें, अच्छे से पालन करें। इस बार ऑड इवन नंबर पेट्रोल डीजल समेत सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा। ऑड इवन नियम सभी गैर परिवहन 4 पहिया वाहनों और यहां तक कि अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा। सीएनजी व्हीकल इस बार इसके दायरे में आएंगे जो पिछली बार सीएनजी व्हीकल एग्जेम्प्ट थे। लेकिन राहत की बात यह है कि कार में सफर कर रही अकेली महिला या फिर स्कूली बच्चे के साथ जा रही महिला को ऑड इवन से छूट मिलेगी और 2 पहिया वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा। ओनली ऑल विमेन व्हीकल्स जिसको महिला ड्राइव कर रही है और उसमें महिलाएं बैठी हैं या उसमें कोई 12 साल से कम उम्र का बच्चा बैठा है, केवल वो एग्जेम्प्ट। इसके साथ ही आपातकालीन सेवाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लेकर चलने वाले वाहनों और दिव्यांगों को छूट देने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। अगर आप आज से दिल्ली की सड़कों पर कार उतारने की सोच रहे हैं तो ऑड इवन नियम को पूरी तरह समझ लें। अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड 13579 है तो आप महीने की 5, 7, 9, 11, 13 और 15 को ही गाड़ी चला पाएंगे। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का नंबर इवन 24680 है तो आप महीने की 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तारीख को ही गाड़ी निकाल पाएंगे। हालांकि रविवार यानी 10 नवंबर को ऑड और इवन दोनों नंबर की गाड़ी चलेंगी। ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा। अगर आप ऑड इवन नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको 4,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक लागू होगा। संडेज को लागू नहीं होगा, मंडे टू सैटरडे लागू होगा।
और इसका वायलेशन करने पे 4,000 रुपए का जुर्माना होगा। दिल्ली सरकार इससे पहले ये योजना 2016 में दो बार लागू कर चुकी है, एक बार 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक और दोबारा 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, लेकिन दोनों बार इस स्कीम के जरिए प्रदूषण घटाने में मदद नहीं मिली। हालांकि ये जरूर है कि इस योजना ने दिल्ली की सड़कों पर भीड़ को कम करने में मदद जरूर की। आज तक ब्यूरो। तो सुबह 8 बजे से दिल्ली में तीसरी बार ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो जाएगा, उससे पहले दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का जायजा लिया संवाददाता पंकज जैन ने। बढ़ते जहरीले प्रदूषण के बीच आज दिल्ली में ऑड इवन स्कीम की शुरुआत हो रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो किन तमाम बातों का ध्यान आपको रखना होगा। आज 4 तारीख है, यानी कि इवन डे है। अगर आपकी गाड़ी के अंत में इवन नंबर है, यानी कि 0, 2, 4, 6 या फिर 8, तो आप आज अपनी गाड़ी घर से बाहर बिल्कुल सड़कों पर ले जा सकते हैं। और जैसा कि आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है, तमाम लोग अब वाहन लेकर घर से बाहर निकलने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अगर आप ऑड नंबर की गाड़ी घर से बाहर लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो आपको 4,000 रुपये तक का चालान देना पड़ सकता है। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, ट्रैफिक पुलिस को इसका अधिकार दिया गया है और जो दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अधिकारी हैं वो भी सड़कों पर चालान काटते हुए नजर आएंगे। और प्रदूषण की जिस तरह से स्थिति है, इस प्रदूषण से निपटने के लिए ही दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। अब दिल्ली की सड़कों पर वाहन नजर आने लगे हैं, ज़्यादातर वाहन हमें दिख रहे हैं कि इवन नंबर के हैं, क्योंकि आज 4 तारीख है। 4 नवंबर से 15 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन स्कीम लागू रहेगी और इस दौरान दिल्ली सरकार ने 5,000 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को भी तैनात किया है जो गांधीगिरी करते हुए भी नजर आएंगे। ऑड इवन तोड़ने वालों को वो गुलाब का फूल देकर समझाएंगे कि दिल्ली के लिए ऑड इवन क्यों जरूरी है। कैमरा पर्सन सतविंदर पाल सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और अब रुख करते हैं राजस्थान के सीकर का, जहां एक तेंदुए ने बीच बाजार जमकर दहशत मचाई। बड़ी दोपहरी में मेन बाजार में तेंदुआ घुस पहुंचा, क्या था फिर उसके बाद, जहां जहां वो पहुंचा वहां वहां सब लोग छुपते हुए नजर आए। आखिरकार 8 घंटे की मशक्कत के बाद ही जंगली जानवर पर काबू पाया गया। देखिए ऑपरेशन तेंदुआ। राजस्थान के सीकर से आई इन तस्वीरों को देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आपके सामने खूंखार जंगली जानवर अचानक से प्रकट हो जाएगा। सीकर के अजीतगढ़ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब मुख्य बाजार के बीचों बीच एक लंबा चौड़ा तेंदुआ पहुंच गया। अजीतगढ़ के बाजार में करीब 100 मीटर तक दौड़ते हुए तेंदुए को देखकर वहां मौजूद हर शख्स के हाथ पांव फूल गए। कोई इधर भागा तो कोई उधर भागा, बस किसी तरह से इस जंगली जानवर से जान बच जाए। दरअसल अजीतगढ़ कस्बे के आबादी वाले इलाकों में रात के समय ही इस लेपर्ड के घुसने की खबर मिली थी। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे तेंदुए ने बाजार से होते हुए पंचायत भवन में घुसने की कोशिश की, लेकिन दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी और लाठियां लेकर तेंदुए को भगाने के लिए पीछे दौड़ने लगे। भीड़ के हो हल्ले की वजह से तेंदुआ गौशाला के सामने पीपली के पेड़ पर चढ़ गया। सूचना पर सीकर डीएफओ और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन लेपर्ड। गौशाला के सामने पीपल के पेड़ में बैठे तेंदुए ने यहां 2 लोगों को पंजा मारकर जख्मी भी कर दिया। शहर में तेंदुए की घुसपैठ की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग गौशाला के पास जमा हो गए, लेकिन वन विभाग की टीम को आने में 3.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इस बीच तेंदुआ पेड़ पर बैठा रहा और आसपास सैकड़ों तमाशबीनों की भीड़। आखिरकार वहां जयपुर से वन विभाग की स्पेशल टीम पहुंची। ट्रैंक्विलाइजर टीम ने आते ही मोर्चा संभाला। हालांकि लोग अभी भी दहशत में थे कि पेड़ से नीचे उतर कर ये खूंखार जानवर कहीं उन पर हमला ना बोल दे, क्योंकि अब तक ये तेंदुआ 2 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर चुका था। शाम 5 बजे पेड़ पर चढ़े तेंदुए को वन विभाग की टीम क्रेन की मदद से
ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन लगाने में कामयाब रही। मौके पर ग्रामीणों की मदद से जाल में फंसाकर उसे पिंजरे में कैद किया गया। इसके बाद वन विभाग की टीम उसे सीकर लेकर रवाना हो गई। लोगों को राहत तो जरूर मिल गई, लेकिन मन में अभी भी खौफ है कि कहीं दूसरा खतरनाक जानवर उनके शहर में आकर दहशत ना फैलाए। सीकर से राकेश गुर्जर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब चलते हैं बंगाल के दुर्गापुर में, जहां एक सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ है। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों तक जाम लगाए रखा। पुलिस भी पहुंची, लेकिन पब्लिक के साथ जबरदस्त झड़प हुई। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर जिले के बेनाचिटी बाजार में करीब 8 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पहले पब्लिक ने जमकर हंगामा किया, तो बाद में लाठियों से लैस पुलिस वालों ने सख्ती दिखाते हुए मामले को काबू में किया। हंगामा तब बरपा जब छठ घाट से लौट रहे एक युवक संजय गुप्ता को मिनी बस ने कुचला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बेनाचिटी बाजार के आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। बेनाचिटी नाचन रोड पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। उग्र भीड़ के आक्रोश को देखते हुए सभी दुकान बंद कर दी गई। सूचना मिलते ही काफी संख्या में पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई जनता को पुलिस समझने में पूरी तरह सफल रही और बवाल बढ़ता ही चला गया। देखिए कैसे लोगों पर बरस रही है पुलिस। सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों को काफी दूर तक पुलिस ने खदेड़ दिया। हादसे में मारा गया शख्स संजय कॉस्मेटिक्स की एक दुकान पर काम करता था। सुबह वहां छठ घाट से वापस लौटते वक्त मिनी बस ने उसे कुचल दिया। उसके बाद ही वहां सैकड़ों लोगों ने सड़क पर बवाल काटना शुरू कर दिया। स्थानीय पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स ने हंगामा मचाने वालों की धरपकड़ शुरू की। लोगों की मांग थी कि जल्द से जल्द आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाए और मृतक संजय के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। हालांकि न कातिल ड्राइवर पकड़ा जा सका है और न ही किसी तरह के मुआवजे का ऐलान हुआ है। दुर्गापुर से अनिल गिरी के साथ आज तक ब्यूरो। नवंबर के पहले हफ्ते में ही बर्फबारी, सुनकर हैरानी होती है, लेकिन ये सच सामने आया है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। हिमाचल के रोहतांग पास में जमकर बर्फबारी हुई है, तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी बर्फ गिरी है। आसपास की पूरी पहाड़ियां सफेद हो चुकी हैं और तापमान ने भी खूब गोता लगाया है। अभी नवंबर महीने का पहला सप्ताह भी नहीं बीता है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों का सफेद होना शुरू हो चुका है। जिन तस्वीरों से हम हर साल नवंबर के आखिरी सप्ताह में रूबरू होते हैं, अब की बार उनसे अभी से ही सामना होने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग की, जहां की तस्वीरों को देखकर रोमांच तो पैदा हो रहा है, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो उस बर्फबारी का शिकार हो रही हैं। शिकार इसलिए क्योंकि बर्फबारी के बाद हाईवे पर गाड़ियों का लंबा काफिला खड़ा है। गाड़ियां फंस चुकी हैं, लोग फंस चुके हैं, ना आगे बढ़ने का रास्ता साफ है और ना ही पीछे जा सकती हैं। रोहतांग पास के इलाके में ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है, लेकिन इसे मौसम वैज्ञानिक वक्त से पहले ही बता रहे हैं, लिहाजा पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए ये रोमांचक भी है, लेकिन तमाम मुश्किलों के साथ। अब हिमाचल प्रदेश से रुख करते हैं उत्तराखंड का, और यहाँ भी हालात हिमाचल प्रदेश की तरह ही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद बद्रीनाथ के आसपास भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है।
बद्रीनाथ मंदिर के आसपास भी रात के वक्त हल्का स्नोफॉल हुआ। मंदिर के कपाट अभी भी खुले हैं और बर्फबारी के बाद कड़कड़ाती ठंड में श्रद्धालुओं की हालत खराब है। ये जरूर है कि उन्हें कपाट बंद होने से पहले ही बर्फ के दर्शन का भी लाभ मिल गया है। बद्रीनाथ के आसपास ऊंची पहाड़ियों पर नजर फेरिए, सब कुछ सफेद हो चुका है। स्नोफॉल के बाद न्यूनतम तापमान भी शून्य के करीब पहुंच गया है और आने वाले दिनों में अब इसमें और गिरावट ही आएगी, यानी पहाड़ों पर बर्फ और मैदानी इलाकों में बारिश ने सर्दियों के स्वागत का पूरा प्लॉट तैयार कर दिया है। बद्रीनाथ में कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।